हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो पहचान सेगमेंट। हम इस पहचान सेगमेंट के जरिए आपको हर उन ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हो। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल और जद्दोजहद लगा ही रहता है, और उस उथल पुथल और जद्दोजहद को हरा कर हम जो मुकाम हासिल करते हैं उससे बनाते हैं हम अपनी एक पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उषा सेठिया जी। इन्होंने ज्वेलरी मेकिंग में अपनी एक पहचान बनाई है और ये 20 साल से ज्वेलरी मेकिंग कर रही हैं। आइए इसी मुद्दे में जानेंगे इनसे कुछ और बातें। सबसे पहले स्वागत करते हैं उषा जी का। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका तासा टीवी पर। नमस्कार जी। नमस्कार उषा जी। जैसा कि आपने हमें बताया कि आप 20 साल से ज्वेलरी मेकिंग कर रही हैं, वो कोई इजी टास्क नहीं होता, बहुत टफ होता है। सबसे पहले ये जानने से पहले आपसे जानेंगे कि आपके बचपन कैसा थे, बचपन से शुरुआत कीजिए थोड़ा। बचपन तो बहुत अच्छा था, और ऐसे में पढ़ाई में भी काफ़ी आगे बढ़ती चली गई हूँ, तो वो तो पता नहीं। मैं एडवोकेट हूँ और लॉ का प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया था करने का। जी हाँ, मैं एडवोकेट भी हूँ और एक साल मैंने लॉ का प्रैक्टिस भी किया था। मैं अपने फादर इन लॉ के साथ लॉ की प्रैक्टिस कर रही थी, बट ऑल ऑफ अ सडन वो एक्सपायर कर गए। तो घर में पहले इतना नहीं था कि हम अकेले बाहर जाके कुछ काम करें, तो उस वजह से घर पे रहना पड़ा। फिर एक साल बाद मेरे फादर एक्सपायर कर गए, तो मैं कुछ ना कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ करना चाहती थी। मायूस हो के मैं, हम लोग 5 भाई बहन हैं, हम 3 sisters 2 brothers हैं, बट हम लोग सभी कुछ ना कुछ काम में, सब किसी न किसी फील्ड में सभी एक्टिव हैं। तो बस वही, यूँ ही एक ऐसा, मतलब एडवोकेट से ज्वेलरी लाइन में आना इट्स रियली अ डिफ़िकल्ट वर्क, क्योंकि मेरे पास कोई बैकिंग भी नहीं थी कि जो मुझे बता सके कि ज्वेलरी किस तरह से हम बनाते हैं, करते हैं। यूं ही अचानक कैसे शुरू हो गया ये भी मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन इस काम में मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सहयोग दिया। वो कहते थे अच्छे से अच्छी मेकिंग करवाओ, कस्टमर अपने आप पैसा देगा। तो हम बस अपने आप, उस समय एक जुनून सवार था कि कुछ करना है, कुछ कामयाबी हासिल करनी है। अगर ये ज्यादातर देखा जाए तो ढेर सारे जो हमारी लेडीज है, या जनरली लेडीज की मैं बात करूँ, वो कुछ और करने का सोचती हैं। ये ज्वेलरी मेकिंग बहुत ज्यादा टफ है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टफ है। इनपुट करना नहीं चाहते अपने एफर्ट्स को, तो आपने कैसे ठाना कि नहीं, मैं मुझे अपना करियर जो अपना पहले बनाना है। मैंने अमेरिकन डायमंड से स्टार्ट किया था ज्वेलरी, और मैंने एग्जीबिशंस भी किया, 2-3 एग्जीबिशंस भी किए, वो बहुत सक्सेस हुए। फिर जब गोल्ड के ऊपर से कंट्रोल एक्ट हट गया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा है ज्वेलरी अमेरिकन डायमंड छोड़ो, रियल डायमंड स्टार्ट करो। तो मैंने गिन्नी जो आती है कॉइन्स, उसके छोटे छोटे पेंडेंट्स बनाने स्टार्ट किए थे, और एग्जीबिशंस करती थी। बस लोगों को पसंद आता गया, वो ऑर्डर देते गए और हम बनाते गए। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, अभी आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, तो किस तरह से आपने वो पड़ाव पार किया कि आप अपने हस्बैंड से बात करी कि मुझे नहीं, मुझे इसमें अपना करियर बनाना है। उसके बाद करियर की बात नहीं थी उस समय, बस था कि कुछ करें, मेरे पास बहुत टाइम था। उस समय नहीं पता था कि नहीं आज आप इस मुकाम में पहुंच जाएंगे, आज आप आइडेंटिटी बना लेंगे। हाँ, उस समय हमें कोई ज़रूरत नहीं थी करियर की, कि बस शौक, वक्त था और शौक भी था कि कुछ ना कुछ करें। कोई फाइनेंशियल कोई नहीं, तो बस ये शौक से ही स्टार्ट किया था। तो वो फिर आज तो अपना फुल फ्लरिश एस्टेब्लिश बिजनेस हो गया, हमारा, हमारे फैमिली का हो गया रेदर। अच्छा, तो 20 साल में जो किस तरह का आपने पड़ाव पार किया है ज्वेलरी मेकिंग को बनाते समय, ज़रूर थोड़ी सी कठिनाइयाँ पहले आई होंगी, उसके बाद फिर अच्छा फेज़ आया होगा, तो कौन कौन से फेज़ आपने एक साथ ये देखिए, हम स्ट्रगल करते गए, हम तो शुरू से आज तक भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं इसको एस्टेब्लिश करने के लिए। अभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, पोजीशन मिल रही है, नहीं है अभी और भी आगे? हाँ, हम तो आज भी स्ट्रगल के ही पीरियड में हैं। अगर मैं बैलेंस करने की बात कहूँ, क्योंकि हमारे जो लेडीज है आधी दुनिया के, वो भी जानना चाहेंगी, बहुत हताश हो जाते हैं जब लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अगर मैं बैलेंस करने की बात करूँ कि आप घर भी देख रही हैं और अपना एक बिजनेस भी देख रही हैं, वो भी ज्वेलरी मेकिंग का, जो कि ईजी नहीं है, तो कैसे दोनों जगह बैलेंस कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा है मेरे लिए कि मेरे को दोनों चीज़ मैनेज करना पड़ता है। सुबह उठा भी अपना घर वगैरह का काम किया, फिर दिन भर बिजनेस में लग जाती हूँ, रात को टायर्ड होती हूँ, तो घर जाके अपना रेस्ट करते हैं। हमारी बहू भी है, बेटे भी हैं, तो सबका सपोर्ट रहता है हमारे साथ में, तो मुझे कोई असुविधा महसूस नहीं होती कि हम घर भी देखते हुए बाहर देखते हैं। पूरी तरह से फैमिली भी सपोर्ट करती है। बिल्कुल जी, हाँ हाँ जी। तो इसमें क्या जरूरी है, अगर हम एक कुछ सोचे कि नहीं हमें कुछ करना है, तो क्या हम खुद में, खुद आत्मनिर्भर, हमें खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, अगर हम कुछ करने जा रहे हैं
तो वो हमें पता रहना चाहिए नहीं हम कर पाएंगे जी। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसमें है। कुछ भी आप शुरू करते हैं तो उसके लिए एक जुनून की ज़रूरत है। यदि जुनून है तो आप किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। वो कोई भी रोके या कुछ भी करे आप विघ्न बाधाओं को पार करते हुए आप चले जाएंगे। तो पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अराइज करना होगा ना। अगर मैं आपकी पहचान जो आपने पहचान आज बनाई है अगर मैं आपकी आइडेंटिटी में एक आइडल की बात करूं तो आप वो श्रेय किसे देंगी? मैं जो भी मेरा श्रेय जाता है मेरे हस्बैंड को जाता है। वो आपके एक क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी मतलब डिसअपॉइंट नहीं किया किसी भी फील्ड में। मैं आज और भी फील्ड में बहुत आगे हूँ कभी भी नहीं किया। मेरे इन लॉज ने भी कभी मेरा सब मतलब विरोध नहीं किया कि मैं कुछ करूं या ना करूं। मैं पूरा पूरी तरह से सपोर्ट किया जी। अच्छा अब मैं आपके क्लाइंट्स की बात करूंगी। कौन कौन से क्लाइंट क्या सिर्फ इंडिया की हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आपकी ये जो ज्वेलरी है? नहीं अभी सिर्फ इंडिया के ही हैं। अच्छा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के भी हैं जो आते हैं परचेज करके ले जाते हैं ऑर्डर दे देते हैं बनाने के लिए। अच्छा तो मतलब हर तरह की आप ज्वेलरी बनाती हैं? नहीं सिर्फ डायमंड ज्वेलरी बनाती हूँ। जो भी कलेक्शन रिंग्स वगैरह हो या सब कुछ भी। हाँ मैं खुद जाती हूँ बॉम्बे जाती हूँ अपना परचेज करके लाती हूँ अपने हिसाब से जैसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। मैं अपना खुद डिज़ाइनिंग क्रिएट करके उनको प्रेजेंटेशन देती हूँ एग्जीबिशंस पे वगैरह भी करती रहती हूँ। तो शादी वगैरह के सीजन में तो बहुत ज़्यादा डिमांड होगा इसका? हाँ डिमांड रहता है पूरा। ब्राइडल ज्वेलरी भी बनाते हैं जैसे ऑर्डर आ जाता है उस तक नो स्पिन से लेके आप बोलेंगे हमको ऊपर से नीचे तक लाद दो हीरे से तो हमारे में वो भी कैपेसिटी है कि हम कर सकते हैं। अगर मैं फ्यूचर की स्टेप की बात करूँ कि आप अभी इसी को कंटिन्यू यही करियर को अपना कंटिन्यू करना चाहेंगी कि नहीं आपके और भी कुछ फ्यूचर में आपने सोच रखा है नहीं आपको दूसरा कंसेप्ट अपनाएंगे आप ज्वेलरी के आगे भी निकल कर कुछ करना चाहेंगी? नहीं अभी तो कुछ नहीं सोचा है। ज्वेलरी में ही तो वास्ट स्कोप है वास्ट वर्ल्ड है ज्वेलरी में। इसके लिए कितना भी समय दो वो कमी है। तो आज कैसा लग रहा है कि आज आपने एक मुकाम बनाई है और हमारा जो चैनल है ताज़ा टीवी वो आपको कवर कर रहा है ताकि हमारी जो लेडीज़ है आधी दुनिया की ये ढेर सारी लेडीज़ है वो इन्फ्लुएंस हो आपसे कि कुछ भी कठिनाइयाँ हो हम आगे बढ़ने से और हमें एक एक पोजीशन एक अपना गोल अचीव करके रहना चाहिए। तो कैसा लग रहा है उस पोजीशन में रहकर आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं लेडीज़ लोग से भी यही विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे भी यदि उन्होंने कोई लक्ष्य ठाना है तो उस मंजिल को तक पहुंचने के लिए उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े तो वो घबराए नहीं आगे ही आगे बढ़ते चले जाए मंजिल अपने आप उन्हें मिल जाएगी। तो उषा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमें ढेर सारी बातें हमसे हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू नमस्कार। तो अभी आपने देखा और सुना उषा जी को जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने अब तक 20 साल ज्वेलरी मेकिंग को दिया है। जी हाँ डायमंड की ज्वेलरी बनाती हैं और यहाँ से लेकर अदर स्टेट्स में भी इनकी ज्वेलरी काफ़ी फेमस है। अगर आप भी कुछ करने की इच्छा रहती है या फिर अपनी एक अलग ही पहचान बनाना चाहती है तो आप बना सकती है। बस हौसला बुलंद रखिए हर कठिनाई आपके सामने आपके कदमों में झुक जाएगी। तो बस आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने आप को पहचानिए और खुद को पहचानिए। अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं तो हमें लिखिए response@taazatv.com। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।